हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। सो आप सोच रहे होगे एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन है क्यों? अगर आपको इसका रीज़न जानना है तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है। सो एक दिन मैं सोच रहा था कि मुझे इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है बट मैंने अब तक खुद का एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। सो फाइनली वन डे आई डिसाइडेड कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा खुद का। एंड थोड़े से सोचने के बाद मुझे ये लगा कि एंड्रॉयड से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सो फिर डाउट ये था कि कौन सी एप्लीकेशन। सो मेरी एक बहुत ही प्यारी हैबिट है, जब भी मैं कन्फ्यूज होता हूँ या मैं खुश होता हूँ मैं गाने सुनता हूँ। तो फिर मैंने अपने म्यूज़िक प्लेयर को स्टार्ट किया और मैंने एक गलती कर दी क्योंकि मैंने अपना इंटरनेट ऑन छोड़ दिया था। और जैसे ही मेरा म्यूज़िक प्लेयर स्टार्ट हुआ, पॉप 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 करके बहुत सारे एड्स मेरे सामने आए। एड्स को देख के मुझे थोड़ा सा इरिटेटेड फील हुआ। सो फिर मैं गया प्ले स्टोर पे और मैंने एड फ्री प्लेयर्स ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसे म्यूज़िक प्लेयर्स जिनमें एड्स नहीं होते। सो मैंने देखे बट मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आया क्योंकि उनमें वो फीचर्स नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बनाऊंगा। एंड उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन बनाई भी, और वही एप्लीकेशन मैंने कैसे बने वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है कि आप ये एप्लीकेशन क्यों बनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे। जब मैं छोटा था मैंने एक कोट सुना था जो कहता है पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो इसलिए मैंने स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स रखे। ये स्क्रीनशॉट्स मेरी म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन के हैं जो मैंने बनाई है और मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने हिसाब से उसे डिज़ाइन करके बना सको। आप इन स्क्रीनशॉट्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अपनी एप्लीकेशन का लाइव डेमो भी दिखाने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि ये कोर्स शुरू करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने आज से पहले थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की है, मतलब आपको प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती है एक्सेट्रा। एंड आपको जावा या कॉटलिन, इन दोनों में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। अगर आपको कॉटलिन आती है तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इस कोर्स में हम कॉटलिन का ही यूज़ करेंगे एप्लीकेशन बनाने के लिए। और अगर आपको जावा आती है तो इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि कॉटलिन काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। एंड तीसरी चीज़ जो है, आपने आज से पहले एंड्रॉयड डेवलपमेंट की हो, मतलब आपको पता है एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, उसे चालू कैसे करते हैं थोड़ा बहुत। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ नया सीखने की चाह। सो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो आपका स्वागत है इस कोर्स में। एंड दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।